आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड आता है पीवीसी गैंग बॉक्स उसमें कितने साइज का आता है और किस साइज में क्या क्या लग सकता है, जैसे स्विच, सॉकेट, फ्यूज, इंडिकेटर, फैन, रेगुलेटर, और कितने रेट में कौन सा साइज का आता है होलसेल और रिटेल। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो घंटी का आइकन आएगा उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसे कि यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो लगभग हमने हर साइज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक पीवीसी गैंग बॉक्स को रख दिया है और इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कितने वे का कौन सा है, कितने साइज का है, और लास्ट में आपको प्राइस भी बताएंगे यानी रेट कि आपको मार्केट में दुकान में कितने रेट में ये मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इससे। ये हमारा वन वे पीवीसी गैंग बॉक्स है और इसमें एक स्विच हमारा लग सकता है या एक फ्यूज या एक इंडिकेटर या एक फैन रेगुलेटर। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि 5-पिन सॉकेट लगा ले इसमें, सिर्फ एक, कोई भी चीज़ एक ही लगेगा, तो 5-पिन सॉकेट भी लग सकता है। 5-पिन सॉकेट के लिए आपको करना क्या होगा, इसको इधर से ये कटिंग कर लेना होगा दोनों साइड से, जैसे कि इसमें मार्किंग भी दिया गया है। तो ये दोनों साइड से जब कटिंग कर लेंगे तो इसमें आपका 5-पिन सॉकेट आ जाएगा। साथ में इसको स्क्रू भी यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे लगता है आपका इस तरह से बोर्ड लगाने के बाद कसने के लिए। तो ये हो गया हमारा वन वे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे टू वे का। ये हमारा टू वे गैंग बॉक्स है, इसी नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें आपका दो स्विच लग सकता है या दो इंडिकेटर या एक स्विच एक इंडिकेटर, यानी दो मटेरियल हमारा लग सकता है। अगर आप चाहते हैं एक स्विच और एक 5-पिन सॉकेट लगाए तो वो भी लग जाएगा, जैसे कि इसमें भी आपको दिया गया है यहाँ पे कि एक कटिंग करके आप लगा सकते हैं एक सॉकेट और एक स्विच। ये तो हमारा हो गया टू वे, और इसमें भी स्क्रू दिया गया है, जैसे कि सब बॉक्सों में स्क्रू दिया गया है ये कसने के लिए, और ये साथ में आता है बॉक्स के। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा थ्री वे है। तो थ्री वे में आपका तीन स्विच लग सकता है, या आप एक स्विच सॉकेट एक इंडिकेटर लगा लीजिए, या स्विच सॉकेट आपका फ्यूज लगा लीजिए, या फैन रेगुलेटर लगा लीजिए, यानी तीन मटेरियल इसके अंदर लग सकता है। और इसमें भी सॉकेट लगाने के लिए आपको ये कटिंग कर लेना होगा ये साइड में, तो आपका 5-पिन सॉकेट लग जाएगा। तो ये तो हमारा थ्री वे हो गया। अब चलिए फोर वे की बात करते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, आपका चार मटेरियल लग सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया गया है, आप दो सॉकेट लगा सकते हैं, दो स्विच लगा सकते हैं। जैसे कि इस साइड हम पलटेंगे तो हम यहाँ पे दिखलाते हैं, जैसे इस साइड भी कटिंग कर सकते हैं और इस साइड भी कटिंग करके आप दो 5-पिन सॉकेट लगा सकते हैं, दो स्विच लगा सकते हैं, या तो आप चार कोई भी मटेरियल लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक का जो स्विच हो स्विच बोर्ड से रिलेटेड। उसके बाद अगर 5-वे की बात करें तो इसमें भी आपका दिया गया है तीन स्विच और दो आप 5-पिन सॉकेट लगा सकते हैं, या पांच कोई भी मटेरियल लगा सकते हैं, स्विच टाइप का आपका होना चाहिए। अगर आपको लगाना है सॉकेट तो उसके लिए सेम इसमें कटिंग कर लेना होगा। तो ये हमारा 5-वे हो गया। अब चलिए हम 6-वे की बात करते हैं। तो 6-वे में हमारा तीन इसमें 5-पिन सॉकेट लग सकता है, 1, 2 और 3। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से पलट देते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो एक इसमें लग सकता है, एक इसमें लग जाएगा, एक इसमें लग जाएगा, और तीन स्विच आप लगा सकते हैं, 6 कोई भी मटेरियल लगा सकते हैं जो स्विच टाइप आपका होगा। तो ये हो गया हमारा 6-वे। और यहाँ पे हमारा 7-वे, यानी 7-वे यानी 7-वे, और इसके अंदर भी 7 मटेरियल हम लगा सकते हैं। और 5-पिन सॉकेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे, इसमें भी आपका 3 5-पिन सॉकेट आ जाएगा और आपका यहाँ पे 4 स्विच आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 7-वे हो गया। 8-वे की बात करते हैं यानी 8, तो इसमें भी आपका सेम 8 मटेरियल लग जाएगा स्विच टाइप जो भी हो। अगर आपको 5-पिन सॉकेट वगैरह लगाना है तो उसके लिए आपको कटिंग कर लेना होगा, तो इसमें 1, 2, 3, 4 आपका 4 लग जाएगा। और यहाँ पे 8-वे में देखेंगे तो एक चीज़ और आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका है 1, 2, 3, 4 और 4 ऊपर है, यानी ये 8-वे है लेकिन ये लॉन्ग है यानी लॉन्ग साइज में, और ये स्क्वायर साइज में है। और इसमें अगर 5-पिन सॉकेट लगाना चाहेंगे तो इसमें भी आपका 5-पिन सॉकेट आ जाएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा, चारों कॉर्नर पे आपको ये कटिंग कर लेना होगा, और प्लस दो स्विच इसमें लगा सकते हैं, दो नीचे दो ऊपर, यानी 4 या 8 मटेरियल कोई भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो फ्यूज यहाँ लगा दीजिए, इंडिकेटर यहाँ लगा दीजिए, और इसमें स्विच लगाइए, यहाँ पे 5-पिन सॉकेट लगा दीजिए, यानी हमारा 8 मटेरियल लग सकता है, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इस पर लगा सकते हैं। इसमें एक टाइप और आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे
तो इसमें आपका 10वे भी आता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 4 और 5 9, यानी 9वे है, 10वे ये नहीं है। और इसमें 5 इंच सॉकेट के लिए ऑलरेडी काट दिया गया है, यानी कटिंग करने के लिए इसमें जगह नहीं दिया गया है। इसमें भी अगर आप चाहते हैं तो 3 और कटिंग करके लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं 1 5 पिन सॉकेट और स्विच वगैरह फ्यूज इंडिकेटर लगाएं तो इस टाइप का भी आता है कटा हुआ। लेकिन अगर कटा हुआ नहीं है इस तरह से, जैसे कि इसमें कटा हुआ नहीं है, तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में आपको इस तरह का मिल जाएगा, इस टाइप का। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखलाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या है, आपका 1 2 3 4 5 5 दिया गया है, आप अपने हिसाब से यानी स्विच टाइप का जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा दिया गया है, क्यों? क्योंकि इसमें हम बड़ा साइज लगाएंगे, जैसे पावर प्लग वगैरह होता है, या जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखला देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है हमारा, ये हमारा SS कमांड है और इसे हम लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें जैसे कि हमने 1-2 साइज को नहीं रखा है, यानी 10वे 12वे 14वे ये या 16वे, ये जो बड़ा साइज है उसको आने वाली वीडियो में मैं साथ में क्या करूँगा, स्विच सॉकेट वगैरह फ्यूज इंडिकेटर सब कनेक्शन करके दिखलाऊंगा, तो उसमें मैं आपको दिखला दूंगा, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो ये है, इसमें हमारा 2 एक स्विच 1 सॉकेट लगता है, वो भी 16 एम्पियर का, जो 16 एम्पियर का आता है ना, स्विच सॉकेट लगा सकते हैं, या चाहे तो हम डायरेक्ट SS कमांड भी इसे लगा सकते हैं। अब चलिए जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो एक ये है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, 1 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, या 1 गीजर का जैसे कि स्विच वगैरह लगा सकते हैं। जैसे गीजर हम लगाते हैं और ओपन वायरिंग वहाँ पे कर रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गीजर के पास हम लगा दिया और इसमें हम क्या करेंगे, सॉकेट लगा देंगे और गीजर का पॉइंट इससे दे सकते हैं। या बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर हमें सिंगल सिर्फ 5 पिन सॉकेट इस्तेमाल करना है 16 एम्पियर का पावर प्लग का, तो उसका हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे ये बॉक्स का जरूरत, यानी जहाँ पे पॉइंट की जरूरत होगी वहाँ पे ये बॉक्स हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 4 इसमें सॉकेट लग जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 16 एम्पियर का सॉकेट लगा लीजिए, या स्विच लगा सकते हैं। जैसे इस स्विच से हमने चारों स्विच सॉकेट को कनेक्शन कर दिया, यानी ये चारों में हम लोड देंगे तो ये पावर का रहेगा, तो ये खराब नहीं होगा। या अगर आप चाहते हैं कहीं पे कि ये हम एक एक्सटेंशन कॉर्ड बना ले और यहाँ पे 4 इसमें सॉकेट लगा दें और इसमें एक पावर प्लग यानी बड़ा सॉकेट लगा दें, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, यानी अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब रही बात कि इसकी प्राइस की, तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले 1वे से लेकर 8वे तक हम प्राइस बताते हैं लॉन्ग का। लेकिन हम जो रेट बताएंगे उसमें हो सकता है, अगर आप मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है, यानी थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर जगह पे थोड़ी बहुत रेट की इधर प्लस माइनस होता है, साथ में मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर इस मटेरियल की बात करें और इस मटेरियल की बात करें, तो ये लो रेंज का है और ये हाई रेंज का है, तो इस चीज़ के इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि रेट अगर कम ज़्यादा आपके मार्केट में है तो मटेरियल का भी फर्क हो सकता है। अब प्लस सिटी जो शहर होता है या जहाँ जहाँ पे जाएंगे जिस मार्केट में, थोड़ी बहुत प्लस माइनस होता ही है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इन सभी बॉक्स का हम रेट बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, होलसेल और रिटेल का अलग अलग रेट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिटेल रेट बताऊंगा। पर आप मान लीजिए अगर आपको होलसेल लेना है तो 20 से 30% के बीच में आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल सकता है, तो मैं यहाँ पर रिटेल रेट बताऊँगा। साथ में क्वालिटी के हिसाब से रेट प्लस माइनस होता है, तो जो हमारा क्वालिटी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको रेट बता रहा हूँ। जो 1वे है वो हमारा 10 रुपये का है, 2वे जो है वो 15 रुपए का है, 3वे जो है वो 18 रुपए का है, 4वे जो है वो हमारा 24 रुपए का है, 5वे जो है वो हमारा 30 रुपए का है, 6वे जो है वो हमारा है यहाँ पे 35 रुपए का, 7वे यानी 7वे हमारा है 40 रुपए का, 8वे है हमारा 45 रुपए का। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग में। अब स्क्वायर में 8वे अगर हम लेते हैं तो ये हमारा जो क्वालिटी है ये है हमारा 65 रुपए का। इसके बाद जो ये क्वालिटी जो आपको दिख रहा है जिसमें SS कम्बाइंड लगेगा, ये है हमारा 70 रुपए का। उसके बाद ये है हमारा 65 रुपए का, उसके बाद ये है हमारा 25 रुपए का, और ये है हमारा 20 रुपए का। और भी बहुत तरह के साइज में आपका PVC गैंग बॉक्स आता है, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के विजिट करके उसका देख सकते हैं। फिलहाल नहीं है, पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 1-2 दिन में वहाँ पे अपलोड हो गया रहेगा जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कीजिएगा, वहाँ पर आपको वेबसाइट पर हर साइज़ देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपको रेट वगैरह A to Z मिलेगा, हर क्वालिटी का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।